नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रश्नजीत कुमार रॉय, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपके सीमेन एनालिसिस या धातु में कोई प्रॉब्लम है तो आपको आगे कैसे बढ़ना है। पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम आया तो अब तुरंत ट्रीटमेंट चालू मत कीजिए, पहले उसको दोबारा से जांच कीजिए, कोई दूसरे लैब से अब जांच कीजिए, कितने दिन समय पर, 1 से 2 महीना गैप में, फिर आप देखिए उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। सेकंड पॉइंट, जिस लैब से आप करवा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, उस लैब क्या WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन फॉलो करके कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैब स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए गलत रिपोर्ट आ जाता है और गलत रिपोर्ट, गलत ट्रीटमेंट, सब कुछ गलत हो जाता है और गलत रिपोर्ट की वजह से आपका ट्रीटमेंट भी गलत हो जाता है। अब मान लीजिए आपके दूसरे रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम आया, अभी आपको ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन क्या ट्रीटमेंट लेना है वो सिर्फ आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपके वाइफ का एज कितना है, उसका एक कितना है, उसका ट्यूब खुला है कि नहीं, उसका और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इसीलिए हम दोनों को ही, पुरुष और महिला दोनों को ही एक साथ क्लिनिक में आने के लिए बोलते हैं, अर्थात पुरुष महिला दोनों को एक साथ क्लिनिक में आना है, दोनों का ही एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एक साथ करवाना है और ट्रीटमेंट चालू करना है। अभी आ जाइए ट्रीटमेंट के पार्ट में। अभी हम लोगों को देखना है ये जो प्रॉब्लम है पुरुषों में, ये प्रॉब्लम सीवियर है या माइनर प्रॉब्लम है। अगर माइनर प्रॉब्लम होता है सीमेन का तो हम लोग 2-3 महीने के लिए मेडिसिन चालू करते हैं और लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो उसको वेट रिडक्शन के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, जैसे डाइट चेंज, जैसे लाइफस्टाइल चेंज, जैसे एक्सरसाइज करना, ये सब के लिए उनको बोलते हैं वेट रिडक्शन के लिए। कोई स्मोकिंग कर रहा है उसको बोलता है कि आप स्मोकिंग मत कीजिए। किसी का टाइट आउटर गारमेंट पहन रहे या कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें उनका स्कोटा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हम लोग मना करते हैं। फिर हम लोग 2-3 महीने बाद उनका दोबारा से जांच करके देखते हैं, अगर वो सही हो गया देन इट्स ओके, अगर सही नहीं हुआ फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि कुछ जांच आपको करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है ये बहुत सीवियर है, मान लीजिए आपका मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी या आपका स्पर्म जो है वो काउंट में बहुत ही कम है, तो इसमें आपको क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि इस कंडीशन में आप ट्रीटमेंट को डिले नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पेशेंट हम लोग के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप 2-3 महीने दवाई लिख दीजिए फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन इस कंडीशन सीवियर अगर रहा तो इस दवाई में यूजुअली चांसेस बहुत ही कम होते हैं, अर्थात मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपके कीटाणु के जो शंखा है, जो गतिविधि है, वो धीरे धीरे कमता जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको सही ट्रीटमेंट चाहिए। क्या ट्रीटमेंट चाहिए ये डिपेंड करता है क्या कारण है। क्या कारण कैसे पता चलेगा आपको? हम लोग पहले पुरुष का कुछ जांच करते हैं, पहले शारीरिक एग्जाम होता है, जैसे हम लोग एग्जामिनेशन करके देखते हैं उनका टेस्टिस का साइज कितना है, कंसिस्टेंसी कैसा है, हाइड्रोसिल है कि नहीं, हार्निया है कि नहीं। उसके बाद हम लोग कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, FSH, हार्मोन लेवल कुछ देखा जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से आपका जो वेरिकोसिल है उसका पता चलता है, हाइड्रोसिल का पता चलता है, हार्निया का भी पता चलता है, ट्रस्ट करता है इसमें कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, आपके जो वर्स डिफरेंस है उसका पता चलता है हम लोगों को। इसके अलावा और भी क्रोमोसोमल स्टडीज होते हैं, जैसे कैरियोटाइपिंग या वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलेशन, इसमें आपका कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं जिसके कारण से आपके स्पर्म में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका पता हम लोगों को चलता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट में। बहुत ही कम पुरुषों में होता है कि मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, इस पुरुषों में हम लोग हार्मोन इंजेक्शन देके उनका शुक्राणु का परिमाण सही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये हार्मोन के ट्रीटमेंट जो है इसमें काम नहीं करता है।
बाकी पुरुषों में जिनमें हार्मोन ट्रीटमेंट का चांस उतना ज्यादा नहीं है उनको हम दो सलाह देते हैं। फर्स्ट जो है IUI, IUI खुद के स्पर्म से हो सकता है या डोनर्स के स्पर्म से, डिपेंड करता है आपका सेमेन एनालिसिस कैसा है उसके ऊपर। दूसरा है IVF या ICSI और टेस्ट ट्यूब बेबी। IVF ICSI पद्धति के द्वारा आपका अगर शुक्राणु बहुत ही कम है तो भी आप अपने चिल्ड्रन का बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं और इसका सक्सेस रेट जो है वो IUI से 4 गुना ज्यादा है। इवन इन केस ऑफ एजोस्पर्मिया जहां पे शुक्राणु या कीटाणु कुछ भी नहीं रहता है वो भी बंदा अपने बच्चे का फादर बन सकता है, अपने अपने ही बायोलॉजिकल बेबी को दुनिया में ला सकता है। कैसे? क्योंकि टेजा है हमारे पास। टेजा में क्या होता है, हम लोग अंडकोश के अंदर एक नीडल डाल के उसके कीटाणु को वहां से बाहर कर लेते हैं, फिर IVF के द्वारा ICSI के द्वारा हम लोग उसका ओवम को फर्टिलाइजेशन करके बेबी जो तैयार करते हैं उनके स्त्री के कोख में उसको डाल के आते हैं। यानी कि आपका अगर स्पर्म का प्रॉब्लम है तो आपको घबराना नहीं है, आपको डोनर स्पर्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पद्धति है जिसमें आप अपना ही स्पर्म लेके अपने बच्चे का फादर बन सकते हैं। मेडिसिन लेके ट्राई मत कीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह कीजिए और अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाइए। इस विषय में अगर और भी जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।